तो so, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द फाइव बेनिफिट्स ऑफ वी ड्राइव मतलब कि मोटर पर हम जो वीएफडी ड्राइव का उपयोग करते हैं जिसका पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसको किस वजह से उपयोग किया जाता है दोस्तों वैसे इस सवाल का जवाब लगभग सभी लोगों को पता है लेकिन जब आपसे पूछा जाए की हमें एक नहीं इसके पांच फायदे बताओ की वी को क्यों उपयोग किया जाता है तो उस जगह लोग इसका जवाब नहीं दे पाते तो आखिरकार वीएफडी उपयोग करने के पांच फायदे क्या क्या है वो हम आज के छोटे से वीडियो में जान लेंगे तो बिना ज्यादा देख रहे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से कई लोग मुझसे बार बार कमेंट करके यह चीज पूछते हैं कि सर आप कौन सा टैबलेट उपयोग करते हो आप किस चीज से वीडियो को रिकॉर्ड करते हो आपके पास में कौन कौन से इक्विपमेंट है ये सब आप मुझसे बहुत बार पूछते हैं और मैं समझ भी सकता हूँ कई सारे लोग खुद भी इस तरीके की वीडियो शूट करने की सोचते हैं तो मैं आपको बता जितनी भी चीजों का मैं उपयोग इस तरीके की वीडियो शूट करने के लिए करता हूँ उन सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा लिंक मिलेगा आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अभी हम बिना ज्यादा देख रहे वी एफ डी उपयोग करने के मुख्य पहले रीजन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो उपयोग की जाती है इसका जो मुख्य रीजन होता है वो होता है दोस्तों एडजस्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड और ये आप सभी को ऑलरेडी पता भी है कि हम जब भी उपयोग हम है, तो है हमारी रोटेशन पर मिनट मोटर एक मिनट में कितनी बार घूम रही है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे अगर आपकी मोटर तीन हजार आरपीएम की है और आपने नॉर्मल स्टार्टर लगा रखा तो उस समय आपकी मोटर तीन हजार आरपीएम ही चलेगी आप उसे कम ज्यादा नहीं कर सकते मोटर की स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन

करंट लेती है जैसे मान लीजिए हमारे पास में मोटर है यह मोटर का जो रेगुलर करंट है वो हमारा दस का है, 10 -15 हमारी मोटर है लेनी चाहिए थे। वह हमारे अस्सी एमपियर सो एमपियर इतना करंट ले रही होती है तो जब हमारी मोटर स्टार्टिंग समय इतना करंट लेती है जिसे हम बोलते हैं मोटर स्टार्टिंग करंट या टेक्निकल इसे हम इनरस करंट भी बोलते हैं तो जब हम एफ का उपयोग करते हैं तो मोटर में जो स्टार्टिंग करंट की प्रॉब्लम है वह अपने आप सही हो जाती है यानी डी केस में मोटर के स्टार्टिंग में ज्यादा करंट वाली प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती अभी दोस्तों मोटर के स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेने से क्या नुकसान हो सकता है तो ये आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कि अगर हमारी कोई मोटर है वो मोटर बनी है करंट लेने के लिए और अगर हम उसमें से अस्सी एमपियर सौ कारण क्या होगा उसके कारण हमारी मोटर की जो वाइंडिंग वो खराब हो सकती है क्योंकि वाइंडिंग तो हमारी नॉर्मली दस पंद्रह एमपियर करंट के लिए बनी है तो इसलिए दोस्तों हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है इसको हमें कम करना काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर हम ये नहीं करते हैं और मोटर को बार बार ज्यादा स्टार्टिंग करंट से स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर जल सकती है तो आपको ये पॉइंट रखना की वी एफ डी जो हम उपयोग करते हैं उससे हमें एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि हमारी जो मोटर स्टार्टिंग करंट है वो हम कंट्रोल कर पाते हैं इसके बाद में जब हम वी एफ डी का उपयोग करते हैं ना तो इसकी वजह से हमारी एनर्जी भी सेविंग होती है मतलब की हमारे बिजली के बिल में भी सेविंग होती है यह कैसे होता है दोस्तों तो इसे हम समझ लेते हैं जैसे की उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी जगह पर हमारी रिक्वायरमेंट है की हमें दस किलोट की पावर वाली मोटर की जरूरत है हमें इतनी ताकत की जरूरत है दस किलोट वाली मोटर की और हमने वहाँ पे लगा दी अब कुछ समय के बाद क्या हुआ हमने वहाँ पे दस किलो की मोटर लगा दी लेकिन अभी हमारी नीड वहाँ पे दस किलो की नहीं है हमें सिर्फ छह किलो पावर की ही रिक्वायरमेंट है है तो 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 उस उस केस केस में में क्या होगा होगा हमने हमने मोटर की लगा लगा रखी अब पर अगर नॉर्मल स्टार्टर रखा हमारी मोटर नॉर्मल पावर पे ही रन होगी लेकिन अभी हमने मोटर पे वी को लगा रखा है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है हम हमारी मोटर को कम पावर पे ऑपरेट कर सकते हैं तो थर्ड फायदा हमें एनर्जी सेविंग का से मिल जाता है इसके बाद में दोस्तों फोर्थ बेनिफिट जिसकी वजह से भी कई बार इंडस्ट्री में हमारी वी को लगाया जाता है दोस्तों क्या होता है इंडस्ट्री के

देती है तो ये समझिए जैसे कि हमने मोटर को वीएफ से चलाया तो इसकी वजह से क्या होगा हमारी जो मोटर को फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए वो वो एकदम से नहीं मिलेगी वो दीरे -दीरे करके मिलेगी धीरे धीरे करके मतलब पहले दस हर्ड मिलेगी फिर वो धीरे से पंद्रह से होगी फिर बीस होगी इक्कीस होगी बाईस होगी ऐसे धीरे धीरे जाके फिफ्टी हार्ड होगी जिसके कारण क्या होगा हमारी जो मोटर का रोटर है वो एकदम से तीन हजार पे घूमने की कोशिश नहीं करेगा वह धीरे धीरे बढ़ेगा वह सो पे जाएगा दो सौ जाएगा इसकी वजह से दोस्तों जो मोटर को हम स्टार्ट करते हैं उस समय जो एकदम से जर् आता है जो मोटर का रोटर एकदम से घूमता है तेज वो जर्क होता है वो जर् खत्म हो जाता है मतलब मोटर हमारी स्मूथली स्टार्ट होती है और स्मूथली बंद होती है और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है तो फोर्थ जो बेनिफिट हमें वी से मिल जाता है वो यही मिल जाता है की हमारे सिस्टम के अंदर मैकेनिकल जर्क कम हो जाते हैं हमारी मोटर स्मूथली स्टार्ट होती है और स्मूथली बंद होती है इसके बाद में दोस्तों हम एक फिफ्थ बेनिफिट की बात कर रहे हैं वैसे तो दोस्तों वीएफ उपयोग करने के और भी कई सारे बेनिफिट हो जाते हैं लेकिन अभी हम नेक्स्ट फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वी एफ होता है वी एफ के उपयोग से हमारा जो पॉल फेक्टर है इंडस्ट्री का वो भी हमारा इंप्रूव होता है आप सभी को पता है कि हम पावर फैक्टर को लेकर कितने ज्यादा कॉन्सियस रहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री पावर फैक्टर कम नहीं होना चाहिए वरना हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पेलेंटी लग सकती है और वो पेलेंटी काफी ज्यादा होती है इंडस्ट्री के लिए तो दोस्तों इसलिए हमें पावर फैक्टर को मेंटेन रखना पड़ता है और दोस्तों जब हम वीएफडी की बात करते हैं जैसे हम लो वोल्टेज की वीएफडी पे बात करते हैं जो हमारी कम वोल्टेज पे है जैसे पंद्रह वोल्टेज में तो ये जो वीएफडी होती है इन लो वोल्टेज वीएफडी में अधिकतर केस में हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है जो हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट के लिए जो वीएफडी के अंदर सिस्टम लगा रहता है वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखता है इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है जो हमारी मोटर को पावर जा रही है उसका जो पावर फैक्टर रहेगा वह काफी अच्छा रहता है हमारी वी

भी है उसका हम हाँ फेस सिक्वेंस को बदल देते हैं मतलब आर वाई बी की जगह अब हम वाई आर बी इस तरीके से सप्लाई को जोड़ते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपने वी एफ डी को लगा रखा है तो आपको वायर को फेरबदल करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट वी एफ डी ऐसी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हो तो एक ये प्रैक्टिकल बेनिफिट है VFD के लगाने का जो हम कई बार इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट की बात करें तो हमारी जो वी एफ डी होती है ना दोस्तों इस वी एफ डी से हमारी मोटर को सभी तरीके की प्रोटेक्शन मिल जाती है यानी कि जो भी मोटर को प्रोटेक्शन चाहिए वो लगभग सभी आपको वी एफ डी को मिल जाएगी आपको एक्स्ट्रा मोटर को प्रोटेक्शन देने की रिक्वायरमेंट

धन्यवाद